अध्यादेशों को किसान मजदूर व्यापारी के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की और ये लड़ाई लंबी चलने की बात कही। उन्होंने जिला मुख्यालय पर जिले भर से ट्रैक्टरों की रैली ले जाकर 3 दिन धरना देने का आह्वान किया है। हाथरस की घटना बहुत ही निंदनीय है बताते हुए इंदौर ने कहा कि परिजनों को लाश न देकर रात्रि को बहन का हिंदू रीति रिवाजों को योगी सरकार ने दरकिनार कर दाह संस्कार किया है। बिना किसानों की राय से, बिना संगठनों से बात किए, बिना दूसरे दलों के सहमति से, और इन्होंने बिल पास कर दिया, जबकि केंद्र में इनके साथ जो घटक दल है, अकाली दल है, उनके लोग भी विरोध कर रहे हैं। आपको ध्यान ही, पिछले दिनों इनके जो समर्थित जो मंत्री थे, उन्होंने पंजाब में से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ये साफ दिखाई देता है कि इस बिल के पक्ष में कोई लोग नहीं है और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार का है। 14 तारीख को ये घटना घटी, 29 तारीख को बच्ची ने अपना जीवन त्याग दिया। त्यागने के बाद इस घटना का पूरा देश में पता चलता है, वो भी इस कारण से कि उस बच्ची को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जो एक यूपी सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और रात को 2 बजे और उसके परिवार को उसमें शामिल नहीं किया जाता, वो इससे बड़ी दुख की बात हो नहीं सकती। हम इस बात को लेकर कड़ी आलोचना करते हैं यूपी सरकार की, और वो इस बात के लिए कहते हैं कि हमें तो गठित करनी है टीम यहाँ जाँच के लिए, उसके लिए हमारे ऊपर से निर्देश प्रधानमंत्री जी ने दिए। जब प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से जब सरकार काम कर रही है, तो आप सोचो इतनी बड़ी घटनाएं पूरे यूपी में चल रही है। यूपी में और भी घटनाएं होती रहती है, जो लूटपाट की है, चाहे भ्रष्टाचार की है, चाहे बलात्कार की है, और ये बहुत ही शर्म की बात है। पूरे देश के लोगों को एक दलित बच्ची